Oh. बहुत बढ़िया कॉर्ड्स। तो मैं अक्सर ईयर ट्रेनिंग के वास्ते या फिर जो भी कह लो, मैं ये करता रहता हूँ कि जो गाने ऑलरेडी सुन रखे हैं, जैसे कि कल मुझे क्लास में किसी ने ये सुनाया, सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मुझसे इंस्टेंटली तो निकला नहीं, बट समझने की कोशिश कर रहा था। सो हाय एंड वेलकम बैक, क्या हाल है। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से थोड़ा और कनेक्ट करना चाहिए सो दैट मैं समझ पाऊँ आपको एग्जैक्टली कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करना चालू करूँ, कमेंट सेक्शन को पढ़ना चालू करूँ। और कमेंट सेक्शन मैं हमेशा देखता रहता हूँ, मैं हमेशा अपना इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे सारी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ ऐडेड नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अक्की हिमसेल्फ के नाम से है, सो आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट करके बातचीत कर सकते हो। अक्सर वहाँ पे मैं लाइव भी करता हूँ, इंस्टाग्राम लाइव, जिसमें मैं लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स जान के सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, जितना भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। और पता है, बिगिनर्स का बहुत जो भी बिगिनर्स सुपर बिगिनर्स जब भी गिटार उठाते हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनका एक क्वेश्चन आता है कि यार यहाँ पे बड़ा दर्द होता है, फिंगर टिप्स पे बड़ा दर्द होता है, वो दर्द कब तक रहने वाला है और क्या केवल मुझे ही दर्द हो रहा है। इसका जवाब है नहीं जी, यू आर नॉट द लकी वन। सबको दर्द होता है एंड वो दर्द आपको शुरू में झेलना ही है। जब भी आप फ्रेटबोर्ड में, आप स्टील की स्ट्रिंग्स के साथ खेल रहे हो यार, स्टील की स्ट्रिंग्स के साथ खेल रहे हो, मतलब बचपन में आपको कब याद है कि आपने कभी स्टील इसके आगे ऐसे छुआया हो, वो भी नुकीला सा स्टील? आपको नहीं याद होगा क्योंकि कभी आपने ऐसे किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया हमें से। सो वो दर्द होगा जब आप गिटार उठाओगे, पहले एक हफ्ते पेन होने वाला है। मेरे जब हम लोग गिटार सीख रहे थे तब मुझे याद है कि किसी ने बताया था कि भाई तवे पे जाके ना ऐसे उंगलियां रख दो। डूड, वो नहीं करना है। मेरे एक दोस्त ने किया था, एक हफ्ते तक गिटार नहीं बजा पाया था। प्लीज़ वो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। जब आप गिटार उठाओगे आपकी फिंगर टिप्स में दर्द होगा ही होगा, विच इज़ कॉमन, ठीक है। सो एक हफ्ता किसी तरह वो झेल लेना, उसके बाद वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। देन कुछ कॉमेंट्स की तरफ चलते हैं, लेट्स सी क्या क्या कॉमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं कभी भी कॉमेंट्स को ऐसे रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मुझे लगा कि अच्छा, बाय द वे कल मैंने एक लाइव किया था जिसमें मैंने कुछ थ्योरी पढ़ाई थी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने मिस कर दिया हो। हाँ जी, सो कुछ कमेंट्स पे आते हैं। लेटेस्ट कमेंट सेक्शन, मैंने अपना studio.youtube खोल रखा है। सो किसी ने मेरे एम्प का बाप पे क्लिक किया है, ये उस टाइम का वीडियो है जब सर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, इसलिए वो खुद को मोटिवेट करने के लिए। यार एक्चुअली आपने सही बात बोली संजय वर्मा, मतलब कसम से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ। थैंक यू फॉर शोइंग द स्टार्टिंग, हितेश ने लिखा है तू ही मेरी शब है, क्योंकि तू ही मेरी शब है का परफॉर्मेंस से पहले मैंने स्टार्टिंग में एक वो समझाया हुआ है, स्टार्टिंग में कॉर्ड्स कौन कौन सी यूज़ हुई और ये सब मैंने समझाया हुआ है। वी वॉन्ट थियोरी क्लासेस लाइक दिस, स्नेहा शीश हालदर ने लिखा है, मेरा जो कल का लाइव था जो मैंने अभी आपको बताया उसके बारे में लिखा है। नमन जैन, अरे नमन जैन आप काफ़ी सारे आंसर्स दे रहे थे उस सेशन में, मुझे याद है, इट वॉज़ अ गुड सेशन सर, एक ब्लूज़ के लिए ऐसा सेशन करो, ऐसा सौम्या जी ने लिखा है। ठीक है जी, टैप्स दे दीजिए घुंघरू के, अरे बाप रे ढूंढने पड़ जाएंगे भाई।
माई माइंड्स काइंड इन हैवॉक, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट संडे टू ड्रॉप। अरे वाह, मतलब जो मैंने कल लाइव सेशन किया है उसमें कुछ व्यूज़ तो है नहीं, बट यहाँ पे लोगों ने बहुत तारीफ़ की हुई है उसके बारे में। प्लीज़ गिव लेसन ऑन अरिजीत सॉन्ग अमी ते तोमर। अमी ते तोमर, इससे याद आया इस मूवी का म्यूज़िक कितना अच्छा है यार। मतलब अगर आपने ध्यान से अगर आपने मूवी नहीं देखी पहले तो जाके मूवी देखो, वन टाइम वॉच है। उसका म्यूज़िक कितना अच्छा है, स्पेशली ये जो आमी जे तुम्हार का एक सैड राग वर्जन है जो आई थिंक तुषार जोशी ने गाया है। आई वॉज ब्लोन अवे यार जब मैंने वो सुना। सो आई थिंक आप लोग भी उसको सुना, मज़ा आ जाएगा। एंड श्रेया घोषाल का वो वर्जन जो है ना, आमी जे तुम्हार का मेरे ढोलना, उसका रिविजिटेड वर्जन। सिंस आप लोग ने ये वीडियो देखा है, ये रहा इसका कॉर्ड चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर श्रेया घोषाल वाला वो वाला वीडियो खोलो और उसके साथ बजा के देखो, मज़ा आएगा। देन प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसे सेशंस और कर सकता हूँ जिसमें मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे बैठा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ आप लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंटेंट चाहिए। एंड काफ़ी सारी क्वेरीज आती है कि अगर क्या क्या मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। हाँ मैं पढ़ाता हूँ, आप नीचे एक नंबर दिख रहा है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आजकल मैं ऑफलाइन भी पढ़ाने लग गया हूँ। गोवा में ऑल ओवर इंडिया से 4 स्टूडेंट्स हर हफ्ते आते हैं, स्टूडेंट्स कह लो, मैं तो उनको अपना भाई अपना दोस्त बोलता हूँ। मेरे साथ रहते हैं, सेम ही लोकेलिटी में हम रहते हैं, एक हफ्ते साथ में मौज करते हैं, खूब सारी चीज़ें सीखते हैं। ऑनलाइन भी मैं सिखाता हूँ, क्लासेस हैं, अगेन नीचे नंबर है, आप उसमें ढूंढ सकते हैं। और मेरा एक ऑलरेडी बना हुआ कोर्स भी है, उसका भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। सिंस आपने ज्वाइन किया, आपको एक मस्त चीज़ सिखाता हूँ, इसको बोल लीजिए कॉर्ड ऑफ द वीक। अब देखो ये कैसे बजानी है। जैसे आप ई मेजर पकड़ते हैं ना, सेम पकड़िए, थर्ड फिंगर को हटा दीजिए और फोर्थ फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग फोर पे रख के ई एड 9। अब इसको यूज कहाँ पे करोगे, जैसे भी आपने कोई गाना बजाया उसको एंड देना है, बहुत अच्छा सा लेना साथ मेरा ओ हमनवा। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड पॉइंट टू यूज़। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये छोटा सा वीडियो बताना कैसा लगा। मैं हर हफ्ते एक ऐसा वीडियो करना चाहता हूँ जिसमें मैं आप लोगों के कॉमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई दूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए। नीचे कॉमेंट्स में लिखना आप लोगों को क्या क्या चाहिए इस चैनल से और मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। अपना अपना ख्याल रखो, फिर से मास्क लगाना चालू कर दो। चलो टेक केयर, बाय।